मुंबई पत्रकार परिषद में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाराष्ट्र के प्रभारी प्रमोद रैना ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनती है बहुजन समाज पार्टी की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कोई दंगा नहीं होगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे, सभी की बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीब लोग हैं उनको मकान मिलेंगे, ये सारी सुविधाएं आदरणीय बहन कुमारी मायावती देंगी, ये हमारा पूरा विश्वास है, पूरा दृढ़ संकल्प है हम इसके लिए। इस अवसर पर विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी 14 अक्टूबर रविवार को मुंबई के षणमुखानंद सभागृह हॉल में बहुजन समाज पार्टी का राज्यव्यापी सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी अशोक सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी जुमलों वाली सरकार है। 2019 के चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी और बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 4 साल कम्प्लीट हो गया सरकार होंगे। आपने सारे जुमलेबाजी उनके सुने होंगे। आज तक पूरे देश में कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। ये बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें बता चुके हैं। उसे हमें कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ दावे के साथ कहता हूं कि 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है, बहन कुमारी मायावती जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आएगी। बिल्कुल, 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, बहन कुमारी मायावती जी उस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। आपको सबको पता है कि कानून व्यवस्था कैसे चलाई थी बहन कुमारी मायावती जी, वैसे पूरे देश में चलेगा। बाबा साहब के विचारों का भारतवर्ष होगा, बाबा साहब का जो सपना था वो साकार करेगी बहन कुमारी मायावती जी। पूरे देश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।